यूपी के सीएम अखिलेश यादव कल से समाजवादी विकास रथ यात्रा निकालेंगे। इस हाईटेक रथ का निर्माण मर्सिडीज बेंज ने किया है। रथ पर अखिलेश और मुलायम की तस्वीर है, लेकिन शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं है। रथ में एक मिनी सीएम ऑफिस बनाया गया है, साथ ही वाईफाई समेत सभी हाईटेक सुविधाएं हैं। मंगलवार को रथ की पहली झलक देखने को मिली। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ऐप को डाउनलोड करके लोग एम्बुलेंस की लोकेशन, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंचेगी, इस सब की जानकारी जुटा सकते हैं। यूपी के बिजनौर में यात्रियों से भरी चलती बस में आग लग गई। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर ने सही समय पर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। बस मुरादाबाद से धमापुर जा रही थी। यूपी के गोरखपुर में 151 किलो वजनी मिट्टी का बड़ा दिया बनाया गया। 101 लीटर तेल डालकर इस दिए को जलाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा दिया है। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो समितियों ने मिलकर यह दिया बनाया है। मेरठ में एक आईएएस अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। साइकिल पर जा रहे नीरज गोयल को अज्ञात ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी। नीरज गोयल दूरदर्शन में बड़े पद पर तैनात थे। वो छुट्टी पर मेरठ अपने परिवार से मिलने आए थे। नीरज साइकिल पर घर का कुछ सामान खरीदने निकले थे। नीरज को टक्कर मारने वाले का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। दोनों पक्षियों की ओर से शिकायत की गई। इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक और भाई से फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर हाउस के दफ्तर में भयंकर आग लग गई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग की माने तो तेल के भंडार की वजह से आग को काबू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अमृतसर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बहस के बाद अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है। आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि का केस किया है। दिवाली पर अलग अलग हादसों में 7 लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पटाखे जलाते वक्त लोगों की आंख में चोट लगी है। पीजीआई के आई सेंटर में पिछले 3 दिनों में आंखों में चोट लगने की वजह से 85 लोगों ने इलाज करवाया है। चंडीगढ़ में 7 जगह पर नेकी की दीवार बनाई गई है। लोग दीवार पर कपड़े समेत बाकी जरूरी चीजें छोड़ जाते हैं ताकि जरूरतमंद लोग इनका इस्तेमाल कर सके। इस मुहिम को चंडीगढ़ में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा मदद के लिए आगे आ रहे हैं।